नमस्कार भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे इस दिसंबर महीने की धन की बात, जो कि अंग्रेजी में हम कहते हैं कि इकोनॉमी मार्केट और इन्वेस्टमेंट यानी ई डॉट एम डॉट आई के ऊपर हमारा विश्लेषण इस महीने के लिए। तो आज हम फोकस करेंगे सेक्टरल आउटलुक के ऊपर ज्यादातर, ओके। ओवरऑल इकोनॉमी के अंदर सेक्टर्स कैसी दिख रही है, मार्केट में उनका क्या हाल है और इन्वेस्टमेंट के लिए आउटलुक क्या बनता है उसके कारण। तो शुरू करते हैं हम वर्ल्ड के ओर से। तो वर्ल्ड में कोविड आई और उसके आगे भी अभी चल रहे हैं वर्ल्ड, क्योंकि एक तरफ लॉकडाउन भयंकर इस्तेमाल किया वर्ल्ड ने, सभी देशों ने। आप देखिए ये लाल रंग जो दिख रहा है वो दिखता है कितना इंटेंसिटी ऑफ लॉकडाउन, सभी ने वीक 3 4 to 9 तक बहुत सीवियर लॉकडाउन इस्तेमाल किया, उसके बाद धीरे धीरे ईज अप कर दिया। तो नेचुरली इस ईजिंग अप में थोड़ा सेकेंड वेव ऑफ कोविड भी शुरू हुआ है, राइट। तो वो फैक्टर को याद रखते हुए कि बाय एंड लार्ज वर्ल्ड एक ईजिंग मोड में आ गई है, इंडिया की हाल भी इधर देख लेते हैं एक बार कि इंडिया ने सबसे जबरदस्त लॉकडाउन, 10 की नंबर जो दिखाया गया हमने यहाँ पर, सबसे हाईएस्ट सिवियरिटी है और किसी और देश ने भी 10 नहीं किया है, 9.5 इटली ने किया है, ये शीट में भी देखे 9.5 स्पेन ने किया 2 हफ्तों के लिए। वैसे तो हमने 4 हफ्तों के लिए 10 के नंबर पे सिवियर लॉकडाउन लगाया। तो ये याद रखिए कि लॉकडाउन बाय एंड लार्ज एक सक्सेस स्टोरी है, इसलिए लॉकडाउन की ईजिंग है। इसमें थोड़ा वर्ल्ड में कई देशों में थोड़ी दिक्कतें आ रही है, मानते हैं, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं हम इंडिया के बारे में। मगर ये लॉकडाउन के कारण जो इकोनॉमी पे असर पड़ सकता था, राइट, वो और ज्यादा बढ़ी थी, क्योंकि लॉकडाउन ने कोविड का जो सप्लाई साइड का इम्पैक्ट था उसके साथ डिमांड साइड का इम्पैक्ट भी जुड़वा दिया। तो दोनों सप्लाई और डिमांड दोनों में असर आया और इकोनॉमिक स्लोडाउन और भी सिवियर हो गई इसके कारण। मगर जैसे ही लॉकडाउन लिफ्ट हुआ है, एक वी शेप्ड रिकवरी सामने दिख रही है सभी जगहों में। तो वर्ल्ड में क्या हुआ, तो उन्होंने लॉकडाउन के साथ साथ रेट कट भी भयंकर किए, क्योंकि देखिए 2008 की जो क्राइसिस थी उससे करीबन 100 बेसिस पॉइंट यानी 1% इंटरेस्ट रेट और भी नीचे घटवा गया है। तो बहुत सस्ता पैसा फेंका गया है और उसके साथ बैलेंस शीट की एक्सपेंशन, मॉनिटरी स्टिमुलस, क्वांटिटेटिव ईजिंग जो कहते हैं, पिछली बार देखिए 2007-8 में कितना था, बस $2.5 trillion जीडीपी के 7%, आज जीडीपी के 30% तक, पहले $13 trillion और अगले 2 साल में यानी दिसंबर 22 तक और $14 trillion डालने की एक्सपेक्टेशन है, ताकि टोटल करीबन $29 trillion का लिक्विडिटी इस कोविड महामारी के कारण जो असर आई है उसको फाइट करने के लिए गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक के जरिए इसका इस्तेमाल किया है। और इसके साथ फिस्कल साइड में यानी गवर्नमेंट की अपनी खर्चा, उसमें भी भयंकर फिस्कल डेफिसिट की एक्सपेंशन, खाली टॉप 5 कंट्रीज G4+ चाइना देखें तो 13% उन्होंने डेपोजिट को एक्सपेंड किया है, और सभी देशों की देखिए 2020 इस साल और 2021 में नेगेटिव ही फिस्कल डेफिसिट की उम्मीदें लगाई है। तो भयंकर एक एफर्ट लगाया था वर्ल्ड ने, तो इसका असर दिख रहा है कि ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर चीन में वी शेप्ड रिकवरी सबसे पहले हुई थी, हरा लाइन जो दिख रहा है, उसके बाद अब देखिए ब्लू लाइन है एमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना और येलो लाइन है डेवलप्ड मार्केट। तो गिरावट एमर्जिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग चाइना में बहुत जबरदस्त हुआ था, राइट, मगर रिकवरी भी और जबरदस्त, आज आप देखिए एंड में एमर्जिंग मार्केट ने ओवरटेक कर दिया है डेवलप्ड मार्केट को इन टर्म्स ऑफ द वी शेप्ड रिकवरी। तो हालत यह है वर्ल्ड की कि सभी जगह में एक रिकवरी सामने साफ दिख रही है एज अ रिजल्ट ऑफ दोस एक्शंस, राइट। तो इंडिया की ओर जल्द से ध्यान देते हैं, तो इंडिया भी यही रिकवरी की वेव को राइड कर रही है। क्यों? क्योंकि पहली चीज आप देखिए कि जो लॉकडाउन हमने 10 के आंकड़े तक लेके गए ना, उसका असर यहाँ पे दिख रहा है आपको कि डेली न्यू केसेस सितंबर में पीक होकर उसके बाद धीरे धीरे गिरने लगी है, तो इन्फेक्शन की कर्व हमने कंट्रोल। तो लॉकडाउन का इफेक्ट इकोनॉमी के ऊपर बहुत जबरदस्त था, सबको पता है, मगर मेडिकली ये बहुत सक्सेसफुल रही और हमारे देश में अब फेटालिटी रेट
और रिकवरी रेट, देखिए रिकवरी रेट इंप्रूव हो रही है और फेटेलिटी रेट गिर रही है। तो ओवरऑल मेडिकली हमें कहना होगा कि बाय एंड लार्ज हमारी जो लॉकडाउन वाली स्ट्रेटेजी थी वो सक्सेसफुल रही मेडिकली इसको कंट्रोल करने में। उसके साथ गवर्नमेंट ने भी 10.5% GDP की 21 लाख करोड़ का ऐलान किया, जिसमें से 8 लाख करोड़ RBI की ओर से और बाकी 13 लाख करोड़ गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट लोन्स, गारंटीज, नरेगा में कुछ ऐसा उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया। और उसके ऊपर जून में इसके बाद और एक 1.5 लाख करोड़ उन्होंने पंप किया और अक्टूबर में और 0.4% ऑफ GDP के लिए और भी। तो गवर्नमेंट ने भी कोशिश किया है कि अपनी तरफ से जितना सपोर्ट कर सके करे, राइट। तो वो एक चीज भी हाथ में रखनी चाहिए। इसके साथ RBI ने 8 लाख करोड़ की लिक्विडिटी, उसके साथ रेट कट भी किया, एक 75 बेसिस पॉइंट्स पहले किया, फिर उसके बाद एक 40 यानी 115 बेसिस पॉइंट्स का रेट कट, फिर उन्होंने रिवर्स रेपो को बहुत नीचे गिराकर RBI के पास जो बैंक पैसा रखती है उसको बहुत सस्ता रेट देकर पुश करने की कोशिश की कि आप जाके लेंड कीजिए, हमारे पास पैसा मत दीजिए, ये भी दी। और फिर एक 3 मंथ का मॉरेटोरियम, उसके साथ 2 मंथ का एक्सटेंशन, फिर वर्किंग कैपिटल का टर्म लोन, ने बहुत सपोर्ट दिया है RBI ने इस गवर्नमेंट के जो एक्शंस थे आत्मनिर्भर भारत के थ्रू टू हेल्प द रिकवरी। तो नेचुरली फर्स्ट असर लॉकडाउन में क्या हुआ, लोग चले गए थे माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल, राइट। तो रूरल में जाने से नेचुरली अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई, राइट। मगर क्या किया गवर्नमेंट ने, दो चीजें, एक नरेगा का जो अलोकेशन उन्होंने अनाउंस किया उससे नौकरी दिलवाई रूरल एरिया में, सेकेंड एग्रीकल्चर में भी ये रूरल का काम आया क्योंकि खरीफ की सोइंग की वक्त थी। तो बाद में खरीफ सोइंग कैसे चली वो मैं दिखाता हूँ। तो मगर आज ये सब स्टेप्स के कारण जो लॉकडाउन के बाद वाली स्थिति में वापस अनएम्प्लॉयमेंट प्री लॉकडाउन वाली स्टेज पर आ चुकी है, यानी बिजनेस रिजम्पशन के कारण आज अनएम्प्लॉयमेंट भी गिरकर वापस एम्प्लॉयमेंट शुरू कर। तो ये इकोनॉमी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है। तो उसके साथ दूसरा ट्रिगर जो ऑप्शन दिखता है वो है GST का कलेक्शन, क्योंकि जैसे ही ट्रेड और सामान ऊपर नीचे जाती है तो ही गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है ना। तो ये जो वी शेप रिकवरी इन GST कलेक्शंस है ये भी आपको इंडिकेट कर रही है कि इकोनॉमी एक रिकवरिंग पाथ पर आ रही है। मगर ये जो रिकवरी आपको दिख रहा है कि 1 लाख करोड़ वापिस पार कर दिया, ये ऐसा नहीं कि सभी क्षेत्र में सभी राज्यों में बढ़त इक्वली हुई है, नहीं। आप देखें कि राजस्थान, उड़ीसा, हरियाणा में करीबन 20% की GST कलेक्शन रही है, वेरस कर्नाटका, महाराष्ट्र, दिल्ली में नेगेटिव अभी भी चल रहा है, तेलंगाना, यूपी में सिंगल डिजिट में। तो जैसे ही इन राज्यों में भी आप एक्टिविटी बढ़ते हुए देखेंगे GST बढ़ेगा तो और भी ओवरऑल कलेक्शन ऑफ GST बढ़ने की एक आशा रख सकते हैं हम, राइट। तो इसके साथ एक्टिविटी लेवल का टोल के ऊपर असर दिख रहा है, लॉकडाउन में नो ट्रेवल वॉज अलाउड, उसके बाद टोल कलेक्शन भी देखिए कैसे धीरे धीरे बढ़ रहा है। ई वे बिल जिसके जरिए गवर्नमेंट अपना खर्चा करती है, इलेक्ट्रॉनिक बिल, राइट। तो वहां पे भी देखिए एक वी शेप रिकवरी साफ साफ सामने दिख रहा है। और सबसे अहम चीज है कि फ्रेट की मूवमेंट, क्योंकि इंडस्ट्रियल एक्टिविटी का लेवल फ्रेट के जरिए ही हम देख सकते हैं। तो बड़े बड़े कमोडिटीज जो होते हैं ना, सीमेंट, स्टील, कोल, फर्टिलाइजर, सब में देखिए एक वी शेप रिकवरी अलग अलग लेवल्स में दिख रहे हैं सामने, और ओवरऑल फ्रेट में भी दिख रहा है। यानी इतना तक कि करीबन सीमेंट का 126%, स्टील का 120, फर्टिलाइजर का 112 और कोल का 99%। तो इतना जो ग्रोथ दिख रहा है, ये इसका असर कौन से सेक्टर के ऊपर आएगा वो हम जल्द देख पाएंगे। तो इसके साथ साथ कोल का जो पावर इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन का हाथ जोड़ सकता है, तो वी शेप रिकवरी इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो अल्टीमेटली क्या हुआ है कि ये लॉकडाउन के कारण जो घर में बैठे बैठे लोगों की टीवी की व्यूअरशिप, वो IPL भी आ गया था उसको सपोर्ट देने के लिए, तो टेलीविजन एड्स एक जबरदस्त रिकवरी दिखा रही है। तो नेचुरली कंजम्पशन के लिए, क्योंकि कंजम्पशन कंपनीज ही टीवी में एडवर्टाइज करती है, उनके लिए ये अच्छी खबर है, राइट। तो ओवरऑल समराइज करने के लिए देखें तो एक तरफ एक्सपोर्ट्स, टू व्हीलर सेल्स, पावर का डिमांड, GST के कलेक्शन देख लिया हमने, पैसेंजर व्हीकल की डिमांड और रेल की फ्रेट, ये सब में एक वी शेप रिकवरी सामने सब दिख रहा है। तो इसका समरी है कि आप मेरी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज की PMI इंडिकेटर, परचेस मैनेजर इंडेक्स, दोनों एकदम गिर गई थी। इनफैक्ट सर्विसेज का सबसे ज्यादा गिरा था, दोनों ने अभी रिकवरी करके
50 के लेवल को पार कर दिया, यानी एक रिसेशन से एक ग्रोथ टेरिटरी, यानी कंट्रैक्शन से एक्सपेंशन की टेरिटरी में दोनों इंडेक्स आ गए हैं। तो इकोनॉमी में तीन सेक्टर होते हैं ना, मैन्युफैक्चरिंग एक तरफ, सर्विसेज एक तरफ, और तीसरी होती है एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर की हालत राइट हमारे लिए क्या था कि एक तरफ पिछले बार रबी का हार्वेस्ट अच्छा निकला तो फार्मर के हाथ में पैसा था, सेकेंड माइग्रेंट्स जो अर्बन से रूरल गए उनको एक तरफ गवर्नमेंट ने नरेगा के थ्रू काम दिलवाया, मगर दूसरी तरफ खरीफ की सोइंग के लिए मॉनसून का आउटलुक अच्छा आ गया था। तो फार्मर के पास पैसा भी था, लेबर सप्लाई भी थे, मॉनसून की आउटलुक भी अच्छी होने के कारण खरीफ जबरदस्त सोइंग उन्होंने शुरू किया। तो ये सोइंग सीजन होता है जून से सितंबर, तो देखिए हर हफ्ते सोइंग बढ़ते बढ़ते एकदम पीक, यानी पिछले 3-4-5 साल की कंपैरिजन में आज सबसे हाईएस्ट खरीफ सोइंग का हुआ है। तो ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए बहुत पॉजिटिव है, और एग्रीकल्चर का जीडीपी ग्रोथ अल्टीमेटली आपको दिखेगा अगले क्वार्टर में, क्योंकि बैसाखी या पोंगल संक्रांति उस टाइम पे ये हार्वेस्ट आती है। तो ये एग्रीकल्चरल ग्रोथ हमारे ओवरऑल जीडीपी को भी सपोर्ट देगा और रूरल एरिया में कंजम्पशन को भी सपोर्ट देगा, क्योंकि फार्मर के हाथ में पैसा बैठेगा राइट। तो ओवरऑल एक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज अग्री सबको मिला के एक इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर हम इंडिकेटेड क्रिएट करें तो जेफरीज एक ब्रोकर है जिसने क्रिएट किया है, वो दिखाता है कि आपको आज ओवरऑल इकोनॉमी एक्टिविटी लेवल कोविड के पहले वाली स्थिति की 98% 98% तक पहुंच चुकी है। अगर एक चीज याद रखी है, कोविड की पहले वाली स्थिति बहुत खास अच्छी नहीं थी, जीडीपी ग्रोथ 3-4% तक गिर गई थी। हमें चाहिए कि ये दिसंबर 17 के पहले जो 7-8% की जीडीपी की उम्मीद चल रही थी उस लेवल पे पहुंचे। उसमें अभी भी थोड़ा वक्त लगेगा, बट एटलीस्ट कोविड का जो असर आया उसको करीबन हमने कर्व करके वापस उस लेवल पे पहुंच चुके हैं प्री कोविड की जो लेवल थी राइट। तो अब आने वाले महीनों में क्या होने वाला है यह देखने के लिए पहली चीज है कि आरबीआई की एक्शन, ये बहुत एक इम्पोर्टेंट स्टेप थी, क्योंकि आरबीआई के पॉलिसी के टाइम उस वक्त जब आया था कि थर्ड मॉरेटोरियम होगा या ना होगा इसका एक डाउट था। अब ये मॉरेटोरियम क्या है कि उसने इकोनॉमिक प्रेशर को ईज कर दिया था, क्योंकि लोगों का जितना ईएमआई भरना था अभी वो हमने बोला कि प्रेशर नहीं है अब मत दो, मगर इसके कारण क्या हुआ बैंकिंग सेक्टर के ऊपर बहुत बुरा असर आया था, क्योंकि लोगों का सोच ये था कि अरे मॉरेटोरियम खत्म होते ही ये लोग कैसे पैसा वापस दे पाएंगे, और अगर वो पैसा नहीं देते तो बैंक की एनपीए लेवल बढ़ जाएगी ना, तो ये डर था जो बैंकिंग स्टॉक के ऊपर हावी था। सेकंड चीज, अगर इन्होंने ये थर्ड मॉरेटोरियम नहीं मिला तो लोग क्या करेंगे, कैसे पैसा देंगे, तो उनके इंडस्ट्री के लिए फ्रेश फंडिंग का भी प्रॉब्लम हो जाएगा, तो ये डर था मार्केट के ऊपर। तो आरबीआई ने बहुत सही तरीके से थर्ड मॉरेटोरियम नहीं किया, और उसके अलावा उन्होंने एक रेजोल्यूशन फ्रेमवर्क और इसलिए मिस्टर कामत के अंडर एक कमिटी फॉर्म किया राइट। तो कमिटी ने क्या किया कि रिकमेंडेशन दिया कि जो भी इस 3-4-5 महीनों में अच्छे बोरोअर्स ने एक मॉरेटोरियम का फायदा उठाया था उनके लिए आप तुरंत पैसा मत पूछिए और 2-3 साल टाइम रिस्ट्रक्चर करके टाइम दीजिए, ताकि जैसे उनका बिजनेस बढ़ता है वो वापस पैसा दे पाएंगे। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट डिसीजन था आरबीआई की ओर, और इसका बेनिफिट आप देखिए करीबन 66% कंपनियों जो इंडिया में है जिनका रेटिंग BBB एंड अबव यानी गुड क्वालिटी कंपनीज, उनको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। कौन से सेक्टर में मिलेगा, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, केमिकल्स, ये मेन बेनिफिशरीज होंगे इसके। तो ये इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव है। इसके अलावा नेचुरली ये बैंकिंग इंडस्ट्री के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि जो एनपीए का डर था वो चला गया, और उसके साथ साथ बैंक के पास तो भरपूर पैसा है, तो पैसा अभी फ्रेश लेंडिंग के लिए फ्री अप हो जाएगा, क्योंकि इसके पहले बैंक के मन में भी डाउट था कि कितना एनपी आएगा पता नहीं, तो थोड़ा कैश रखते हैं, प्रोविजन रखते हैं उसके लिए। अब वो डर तो चले गया, तो नेचुरली बैंक्स ने भी लेंडिंग वापस शुरू कर दी। तो ये बहुत एक इंपॉर्टेंट आरबीआई के थ्रू जो डिसीजन है ये सब सेक्टर्स के लिए बेनिफिशियल है। तो इसका बेनिफिट हाउसिंग के ऊपर खास करके दिखने वाला है। कारण क्या है कि एक तरफ बैंक के पास भरपूर पैसा है तो इंटरेस्ट रेट घट रहे हैं, 7% के नीचे आ गए हैं अभी गुड क्वालिटी बोरोअर्स के लिए हाउसिंग लोन का रेट, नंबर वन। नंबर टू क्या हुआ है
कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अभी देखिए मुंबई में एग्जाम्पल लिया है, इधर मुंबई ने क्या किया, स्टैम्प ड्यूटी को भयंकर कट करवा दिया, वो एक सपोर्ट आ गई कॉस्ट ऑफ द रियल एस्टेट प्रोजेक्ट। थर्ड थिंग क्या है, देखिए कि ओवरऑल एक अफोर्डेबिलिटी में जो इंप्रूवमेंट हुआ है कि अगर हम प्राइस पर स्क्वायर फुट देखें 2007 से आज तक दुगना हो चुके हैं, मगर साइज ऑफ हाउस समझिए कि सेम, 2 BHK 900 स्क्वायर फुट, तो कॉस्ट ऑफ हाउस डबल हो गया और लोन एलिजिबिलिटी 70% रखिए, तो इंटरेस्ट रेट जो 10% था आ जाएगा, एवरेज बोरोअर के लिए 7.5 आ गया है, गुड क्वालिटी के लिए 7 के नीचे भी आ गया है, और इसके कारण जो ईएमआई आता है और इनकम लेते हैं आप, तो इनकम का अगर 8% पर एनम एक ग्रोथ दिखे आप, तो ईएमआई टू इनकम रेशियो 50% से आज 30% के नीचे आ गई है, तो हाउसिंग की अफोर्डेबिलिटी इंप्रूव है, तो प्रॉपर्टी प्राइस टू इनकम भी देखे 3.5 साढ़े सॉरी 6.5 के लेवल पे थी अपने इनकम टाइम्स द प्राइस फॉर द प्रॉपर्टी, आज वो 6.3 से 4.2 तक गिर गए हैं। तो हाउसिंग एंड रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बड़ा थिंग है, जो जिसने अभी नहीं खरीदा है वो खरीदेंगे। मगर अब और एक चीज जो हुई है वो ये है कि इवन एज एन इन्वेस्टमेंट हाउसिंग एंड रियल एस्टेट में बहुत बढ़िया डेवलपमेंट हुआ है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो इंटरेस्ट रेट में आपको टैक्सेशन का बेनिफिट मिलता है और हाउस से आपको रेंटल इनकम की भी आशा है ना, तो अगर वो स्प्रेड देखें तो पहले था कि 2012 में 7% के करीब था स्प्रेड, आपको हाउसिंग लोन पोस्ट टैक्स रेट और रेंटल यील्ड जो मिलता है उसका डिफरेंस, आज वो डिफरेंस 7% से आधा हो गया है 3%, यानी आपने हाथ से अपने खाली 3% डाला, तो फ्यूचर में आपको प्रॉपर्टी प्राइस अप्रिसिएशन से आपको भरपूर लाभ मिलने की एक कोशिश हो सकती है, तो ये एक पॉजिटिव है, बिकॉज अब लोग दूसरा घर तीसरा घर भी खरीदने की सोचेंगे कि मेरे लिए बहुत लॉन्ग टर्म में फायदा होगा, क्योंकि खाली 3% मेरी तरफ से मैंने आज और ज्यादा इन्वेस्ट कर लिया मंथली इनकम में, तो अब मेरे लिए लॉन्ग टर्म एक असेट क्रिएशन हो सकता है। तो नेचुरली इसका पहला असर आप देखेंगे तो एग्जिस्टिंग रियल एस्टेट अनसोल्ड प्रॉपर्टीज है उनकी बिक्री होगी, सेकेंड हैंड में जो लोग ऑलरेडी 3-4 घर कर चुके हैं उनके लिए भी वो रियल एस्टेट बेचेंगे तो सेकेंड हैंड में आएगी, उसके बाद जब एक्सेस कैपेसिटी जब यूज अप होता है उसके बाद फ्रेश कंस्ट्रक्शन इन हाउसिंग सेक्टर और ये सेक्टर जब देखेंगे तब आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आ जाएगी, यानी कि सीमेंट स्टील पेंट टाइल्स और इलेक्ट्रिकल वायरिंग ये सब में आपको एक मल्टीप्लायर डिमांड का इफेक्ट भी आप देख सकते हैं, बट वो स्टेप बाय स्टेप होगा, पहले सेकेंड हैंड सेल्स आएगी, फिर एक्सेस बिल्डर्स ने जो बिल्डर किया है ऑलरेडी फ्लैट्स को वो बिकेंगी, उसके बाद फ्रेश भी एक रियल एस्टेट में टर्नओवर, तो रियल एस्टेट एक सेक्टर है जहां पे आज आउटलुक बहुत पॉजिटिव बन चुका है। तो ओवरऑल समरी ऑफ द जीडीपी में देखें तो लॉकडाउन के कारण फर्स्ट क्वार्टर में 24% नेगेटिव जीडीपी आ गई थी कोविड प्लस लॉकडाउन, मगर सेकेंड क्वार्टर में जो पहले 9-9.5% नेगेटिव होने की उम्मीद रखते थे एक्चुअल रियलिटी में वो 7.5 में आई, यानी मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ मगर मच लेस देन एक्सपेक्टेड, तो उसके बाद अभी अगले क्वार्टर में 2.5% नेगेटिव, और जनवरी फरवरी मार्च में जब अग्री की जो सप्लाई खरीफ क्रॉप की जो सप्लाई इकोनॉमी में आएगी उसके कारण ओवरऑल एक पॉजिटिव जीडीपी ग्रोथ ऑफ 3.2 देख सकते हैं, मगर अप्रैल में जून में हम एक्सपेक्ट करने की समर की जो कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी की डिमांड भी बढ़ेगी तो करीबन 17% की ग्रोथ, तो ओवरऑल 21-22 में 17-12-7-5, यानी ये 17 इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये YOY है क्वार्टर, इस क्वार्टर को ये नेगेटिव क्वार्टर से कंपेयर करने के कारण वो नंबर 17 दिख रहा है, बट ओवरऑल अगले साल करीबन डबल डिजिट ग्रोथ यानी 22 में हम देख सकते हैं, तो ये है हमारे देश की वी शेप रिकवरी, और इसके अलावा ये तो इमीडिएट शॉर्ट टर्म आउटलुक है, लॉन्गर टर्म आउटलुक के लिए भी क्योंकि ये एफआईएस का भी इसमें इंटरेस्ट है और हमारे लिए भी फ्यूचर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के लिए इसमें इंटरेस्ट है, स्ट्रक्चरल पॉजिटिव बहुत है इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसमें क्या है कि पहली चीज कि इस महामारी के टाइम में ढेर सारे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिए, इस मुश्किल के वक्त में उन्होंने ये मुश्किल रिफॉर्म्स को भी घुसा दिया, एक तरफ एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स दिख रहे हैं आज पंजाब हरियाणा में जो चर्चा चल रही है उसके ऊपर,
अगर ओवरऑल इकोनॉमी के लिए ये बहुत बढ़िया डेवलपमेंट है, रिफॉर्म्स, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया, फिर कमर्शियल कोल माइनिंग को इंट्रोड्यूस किया, डिफेंस में एफडीआई का लिमिट बढ़ा दिया, यूनियन टेरिटरीज में पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज डिस्कॉम जो कहते हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, फिर पब्लिक सेक्टर में भी वो खोल रहे हैं सभी प्राइवेट सेक्टर एक्सेप्ट स्ट्रेटेजिक सेक्टर को छोड़कर, पब्लिक प्राइवेट के लिए और फॉरेन प्लेयर्स के लिए, और आरबीआई के बारे में हमने ऑलरेडी बात किया। तो ये रिफॉर्म्स का असर ये होता है कि इसलिए हमने रेटिंग एजेंसीज ने इतना नेगेटिव जीडीपी ग्रोथ के बावजूद, उतनी 21 लाख करोड़ की आत्मनिर्भर भारत के स्टिमुलस के बावजूद, उन्हें हमारा रेटिंग को मीनिंगफुली डाउनग्रेड नहीं किया। और आने वाले जो 2 महीने के बाद बजट आने वाली है ये उसके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि ये रिफॉर्म्स जो गवर्नमेंट ने अभी मैंने बात की ये इम्पॉर्टेंट कारण थे कि रेटिंग एजेंसीज ने हमें पनिश नहीं किया, क्योंकि उनके लिए जो भी आप खर्चा करते हो अगर वो सही दिशा में करते हो, यानी क्वालिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर इज एज इम्पॉर्टेंट एज क्वांटिटी ऑफ द एक्सपेंडिचर, तो ये रिफॉर्म्स के जरिए जो भी खर्चा हो रहा है ये उनके लिए पॉजिटिव है, क्योंकि ये फ्यूचर में देश की इनकम टैक्स, देश की जीएसटी कलेक्शन और देश की जीडीपी ग्रोथ को पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसलिए ऐसी तरह के खर्चा में वो कुछ नेगेटिव एक्शंस नहीं लेते हैं। तो उम्मीद यही है कि ये बजट के लिए भी एक हाथ में कुछ कुशन होगा गवर्नमेंट को कि इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में कुछ खर्चा करें। तो बजट में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बहुत एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश आप गवर्नमेंट की ओर से देख सकते हैं विदाउट वरिंग अबाउट द रेटिंग एजेंसी, राइट? तो इसके लिए सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर पुश में एक तो गवर्नमेंट का हाथ बजट के जरिए आप देख पाएंगे, दूसरी चीज है कि फॉरेनर का हाथ, क्योंकि एफडीआई आके हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने की बहुत जरूरत है। तो उस एफडीआई को डायरेक्ट, एक एफडीआई होता है जो इन्वेस्ट करते हैं हमारे डेट स्कीम्स में, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग स्कीम्स में, या फिर एक रेल मेट्रो रेल के लिए कोई फंडिंग देते हैं वो भी एफडीआई बनता है। मगर दूसरी तरह का एफडीआई होता है जो कि एक्चुअल कारखाने यहाँ लगते हैं, जो इससे प्रोडक्शन शिफ्ट होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक में आपने देखा पीएलआई स्कीम अनाउंस किया तो करीबन 20-22 कंपनियों ने इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट करने की चीन से अनाउंसमेंट किया है। केमिकल्स में भी पीएलआई का स्कीम अनाउंस किया, तो ये मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ये टैक्स रेट का घटाना, क्योंकि नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इसके लिए उन्होंने 17%, 35% पुरानी रेट थी आज 17% में गिरा दिया नई कंपनियों के लिए, ये वर्ल्ड के लेवल के बेस्ट टैक्स है। तो एफडीआई के लिए ये बहुत पॉजिटिव एक अट्रैक्टिव स्टेप बना। दूसरी चीज, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इतना फोकस हो किया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हमारी जो रैंकिंग्स की इंप्रूवमेंट, करीबन 80 रैंक में छलांग लगाकर हम अभी देश में मोस्ट इंप्रूविंग कंट्रीज में है इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो फॉरेन कैपिटल यहाँ मैन्युफैक्चरिंग के आने के लिए ये भी एक बहुत बड़ी पॉजिटिव है। उसके साथ ये कोविड का इम्पैक्ट चीन के ऊपर जो हुआ उसके कारण बहुत लोग अभी डर गए कि खाली मैं चीन के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग क्यों डिपेंड करूं, मैं चीन प्लस वन बाहर भी एक कैपेसिटी में इन्वेस्ट करूंगा करके डिसीजन बहुत से एडवांस कंट्रीज के मैन्युफैक्चरर ले रहे हैं। 44% उन्होंने कहा है कि कोविड के कारण अभी उनकी इंटेंशन और बढ़ गई है, राइट? तो इसके साथ आप देखें तो जो लोग कह रहे हैं कि मैं बस तो 2-3 महीने में मैं बाहर फैसिलिटीज क्रिएट करने वाला हूँ, उनकी गिनती भी जबरदस्त बढ़ गई, जो ये चीन प्लस वन से इंडिया के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी बनती है। तो ओवरऑल कोविड के अलावा चीन के ऊपर लेबर शॉर्टेज का असर भी आ रहा है, ये भी एक कारण है कि फॉरेनर्स चीन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेबर सप्लाई लाल लाइन अब देखें चीन का गिर रहा है और इंडिया का जो ब्लैक लाइन है वो बढ़ रहा है। करीबन 30 साल के लिए हमारी लेबर सप्लाई हर साल बढ़ने वाली है, तो कोई भी मैन्युफैक्चर के लिए ये दिक्कत नहीं होगी कि क्या मेरे को लेबर मिलेंगे मेरी कारखाने के लिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है एफडीआई के लिए, इंडिया के लिए। तो ओवरऑल आपने देखा कि शॉर्ट टर्म में एक सेक्टोरल इम्पैक्ट मैंने बताया, मीडियम टर्म में एक इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड इम्पैक्ट मैंने बताया, तो मार्केट में जो पैसा आता है मार्केट को बढ़ाने के लिए, इसलिए मैंने लॉन्ग टर्म की बात की इकोनॉमी के ऊपर, बिकॉज पैसा आ जाता है जो लॉन्ग टर्म पैसा है तो शॉर्ट टर्म में ही मार्केट बढ़ जाती है। इसलिए मार्केट को कहते हैं कि इक्विटी मार्केट इज अ लीड इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि मार्केट फ्यूचर को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करती है। तो आज जो भी सेक्टर में आपको दाम बढ़ते हुए दिख रहे हैं स्टॉक के दाम, तो समझिए कि फ्यूचर में उस सेक्टर में ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है, इसलिए वो पैसा आ रहा है।
तो अभी मार्केट की ओर ध्यान देते हैं तो पहले लार्ज कैप क्षेत्र में देखिए, वहां पे भी अर्निंग्स ग्रोथ जो भयंकर नेगेटिव हो गया था जून क्वार्टर में, अभी लेस नेगेटिव दिख रहा है आपको, वी शेप्ड रिकवरी उधर हो रही है और उम्मीद यह है कि इस साल FY21 में करीबन 500 का ईपीएस होगा निफ्टी के कंपनियों में, मगर अगले ही साल वो करीबन 677 तक बढ़ सकता है। तो ये एक बाउंस बैक इन निफ्टी ईपीएस ग्रोथ इन इंडिया, ये बहुत बड़ा कारण है कि फॉरेन कैपिटल इंडिया में आ रहा है। कितना आ रहा है मैं थोड़ी देर में बताता हूं। तो अर्निंग्स में इफेक्ट देखेंगे तो इस टेबल में पहली लाइन में देखिए ओवरऑल मार्केट की ग्रोथ, यानी सेल्स -8%, क्योंकि जीडीपी ग्रोथ कितना था -7.5, करेक्ट। तो सेकेंड क्वार्टर में सेल्स जीडीपी ग्रोथ सेल्स में डायरेक्टली आपको रिफ्लेक्ट होते दिख रही है, मगर एबिटडा और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखिए जबरदस्त बढ़त। कारण क्या है? एबिटडा माने ऑपरेटिंग मार्जिन, ऑपरेटिंग मार्जिन माने उन्होंने रॉ मटेरियल का कॉस्ट, ये कॉस्ट सब पास ऑन कर दिया, उनको क्रूड प्राइस ड्रॉप का बेनिफिट मिला और उन्होंने अपने सप्लायर के ऊपर दबाव डालकर अपनी प्रॉफिट को कायम रखा है इन स्टॉक मार्केट वाली कंपनियों ने। और इसलिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में ऑपरेटिंग प्रॉफिट के साथ इंटरेस्ट जो सेविंग्स होती है वो आके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को बढ़ाती है। तो वो भी देखिए इंटरेस्ट रेट्स भी गिर गए हैं सच्चे कंपनियों के लिए, तो नेचुरली उनके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बढ़े। मगर एक सावधान की बात है, ये ज्यादातर ग्रोथ जो दिख रहा है आपको ये बैंक के कारण है, क्योंकि बैंक को आरबीआई ने भरपूर पैसा दिया और कॉस्ट ऑफ फंडिंग भी कम करा दिया। तो बैंक को निकाले तो देखिए असर कम होता है, क्योंकि सेल्स का ड्रॉप भी 11% होता है और प्रॉफिट की ग्रोथ भी खाली 2%, मगर एबिटडा का ग्रोथ करीबन 12%। तो बैंक्स आर द मेजर बेनिफिशियरी इन दिस पीरियड, आपको क्लियर क्लियर दिख रहा है। अब ये ओवरऑल मार्केट की बात हुई, तो लार्ज कैप मिड कैप और स्मॉल कैप में इसका ब्रेकअप देखें तो नेगेटिव सेल्स ग्रोथ का असर पूरे सबके ऊपर देखा है और आपने देखा कि हर जगह बैंक को निकालेंगे तो हालत और उतनी अच्छी नहीं दिखती है, बैंक की हालत बहुत बढ़िया है। और एबिटा में देखें तो बैंक को निकालकर लार्ज कैप बैंक्स में उतना प्रॉफिट ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ है जितना मिड कैप बैंक में हुआ है और स्मॉल कैप बैंक में, क्योंकि वहां ही बहुत डर था एनपीए का, तो इसलिए वहां पे उन्होंने प्रोविजन क्रिएट करके अर्निंग्स को दबा के रखा था, वो अभी रिलीज हो गया है। तो वो एक चीज देखते हैं। और द सेम टाइम प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में देखे तो लार्ज कैप में एक फ्लैटिश प्रॉफिट ग्रोथ है बैंक को निकालेंगे तो, मिड कैप में थोड़ा बेहतर और स्मॉल कैप में थोड़ा बेहतर। तो सिंगल बैंक को निकालेंगे तो सिंगल डिजिट प्रॉफिट ग्रोथ आज दिख रही है सेकेंड क्वार्टर में, बट स्टिल नेगेटिव से पॉजिटिव बहुत बड़ी चीज है और आने वाले क्वार्टर में उम्मीद है कि ये और भी बढ़ सकती है। तो ओवरऑल समरी में अर्निंग्स का कहूंगा कि क्या कि इकोनॉमी की बुरी हालत में उनकी सेल्स के ऊपर दबाव आया, मगर उन्होंने उस दबाव को अनऑर्गेनाइज सेक्टर और बहुत छोटी मोटी कंपनियों के ऊपर पास ऑन कर दिया ताकि उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंप्रूव हो गई और उसके साथ उनको लो इंटरेस्ट का बर्डन, क्योंकि बैंक्स का भी इंटरेस्ट रेट्स कम हुआ फॉर द टॉप कॉर्पोरेट्स डेफिनेटली कम हुआ, तो वो बेनिफिट भी आप देख रहा है कि प्रॉफिट मार्जिन प्रोटेक्ट हो गई थी, राइट। आने वाले क्वार्टर्स में आप इसके इफेक्ट को और भी बढ़ते हुए देख सकते हैं। तो नेचुरली ओवरऑल तीनों इंडेक्सेस में एक वी शेप्ड रिकवरी दिख रही है आपको, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप एंड में देखिए गिरावट के बाद राइज। और वैल्यूएशंस अगर देखें तो क्या हुआ है कि दिसंबर 17 जो मार्केट की प्रीवियस हाई थी पीक थी उसके साथ कंपैरिजन करें तो निफ्टी की पीई तब से अब दो आंकड़े ऊपर हो चुकी है, फ्रॉम 17.8 टू 19.9, तो निफ्टी का वैल्यूएशन और बढ़ गया है। मगर मिड कैप और स्मॉल कैप का जिस दौर शॉर्ट टर्म में रैली हुई है फिर भी वो प्रीवियस हाई तक अभी तक पहुंचे नहीं है, अभी भी 6.4 का गैप है और 2.7 का गैप स्मॉल कैप में भी है फ्रॉम द प्रीवियस हाई। इसलिए आज अगर देखें निफ्टी के कंपैरिजन में मिड कैप इंडेक्स 11% डिस्काउंट पे चल रही है और स्मॉल कैप इंडेक्स 13% डिस्काउंट पे चल रही है, तो नेचुरली बात बनती है कि क्या मिड एंड स्मॉल कैप में निवेश अभी करना चाहिए। तो इस चीज जो हमने वहां पे दिखा एक ग्राफ के जरिए देखें तो उस पीक दिसंबर 17 से निफ्टी ने डिलीवर किया है 24% रिटर्न, मिड कैप ने डिलीवर किया -8% और स्मॉल कैप में डिलीवर किया -30%। तो ओवरऑल आप सब लोगों के पोर्टफोलियो में लार्ज कैप फंड्स मिड कैप फंड्स स्मॉल कैप फंड्स का असर
इस इंडेक्स के जरिए आप थोड़े समझ सकते हैं। तो अभी भी मिड और स्मॉल कैप ने अपने पुराने हाईस को पार नहीं किया है, जिन्होंने भी उस टाइम के करीब निवेश किया उनके लिए आज भी नुकसान ही दिख रहा है, राइट। तो नेचुरली कल तक के स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस में देखें तो मैं आपका मन को ड्राइव करूंगा 1 महीना 3 महीना और 6 महीने की बात, तो देखते हैं क्या हो रहा है। 6 महीने की बात में देखें स्मॉल कैप और मिड कैप में लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है 6 महीना करीबन मार्च की कोविड के टाइम से आज तक। तो क्या हुआ है कि स्मॉल एंड मिड कैप ने बाउंस बैक रैली दिखाई है, मगर 3 महीने में करीबन ब्रॉडली सेम लेवल के रिटर्न है, यानी 3 महीने के टाइम फ्रेम में वो इनिशियल बाउंस के बाद एक पैटर्न ही हुई। अभी 1 महीने में वापस आप देख रहे हैं कि मिड एंड स्मॉल लार्ज कैप को आउट परफॉर्म कर रहे हैं। तो ये 3 महीने से ये 1 महीने का जो मूवमेंट में क्या दिख रहा है साफ कि मार्केट में जो सेफ्टी के लिए एक प्रीमियम चल रहा था वो अभी घट के रिस्क की ओर पैसा जा रहा है। ये साफ आपको 1 महीने के मूव में देख रहा है जो 3 महीने में नहीं था, राइट। तो दो फेज थी, एक फेज थी कि मार्च के बाद एक बाउंस बैक इन स्मॉल कैप मिड कैप, उसके बाद एक फ्लैटनिंग और उसके बाद वापस ये बाउंस बैक। अब ये चीज के एक्सप्लेनेशन के लिए हमें देखना होगा, ये एक स्लाइड को छोड़ते हैं, कि जो करेक्शन हुआ है और जो रिकवरी हुआ है तो ये फेज 5 में एंड में दिखा रहा हूँ। देखिए हमारे इकोनॉमी में बिजनेस साइकिल्स होते हैं, फेजेस होते हैं। फेज 1 जो 2003-08 बढ़िया था, फिर 8-13 बुरा फेज था, फिर 13-17 तक अच्छा फेज चला, फिर 17 मार्च तक एक बुरा, और वापस अब एक नया फेज जो 1 महीने का रिटर्न में दिखा रहा हूँ। तो मार्च से भी देखिए कि करीबन तीनों इंडेक्स ने, सेंसेक्स मिड कैप और स्मॉल कैप ने 72-90% का बाउंस बैक दिखाया। मगर ट्रूली क्या ये एक लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक रिकवरी को इंडिकेट करती है, आने वाले समय में ही दिखेगा। क्योंकि अगर जेन्युइन इकोनॉमिक रिकवरी है तो फेज 3 के ऊपर देखे और फेज 1 में जहां पे स्मॉल कैप ने मिड कैप से भी बेहतर रिटर्न दिया और मिड कैप ने लार्ज कैप से बेहतर, अभी तक वो स्थिति आई नहीं है। अभी तक तीनों के रिटर्न करीबन साथ साथ चल रहे इस रिकवरी के फेज में, राइट। तो मार्केट की ये जो हालत है उसके पीछे क्या है, फॉरेनर का पैसा। क्योंकि आज से पता है आपको रेट स्टिमुलस की बात थी और रेट कट की बात थी और मॉनेटरी स्टिमुलस की बात, यहाँ पे सेम स्लाइड मैंने पहले भी दिखाया आपको। तो नेट में FII के फ्लोस देखिए कैसे जबरदस्त, फरवरी में कोविड के टाइम में लॉकडाउन के अनाउंसमेंट के टाइम में वो भयंकर सेलिंग था, उसके बाद FIIs ने हर महीने आप देखिए पैसा लाया है, ताकि इतना तक कि पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में इमर्जिंग मार्केट वर्ल्ड कोरिया ताइवान इंडोनेशिया फिलीपींस थाईलैंड में खाली इंडिया एक ऐसी देश है जहां पे कैलेंडर ईयर टू डेट लीजिए या फाइनेंशियल ईयर, खाली इंडिया में पॉजिटिव फ्लोज आए, बाकी सभी देशों में अभी भी FII के आउटफ्लोज चल रहे हैं। तो इंडिया में ऐसी क्या खास बात उन्होंने देखा है जो इकोनॉमिक मैटर में ने दिखाया, वही यानी लॉकडाउन जबरदस्त इसलिए नेगेटिव, मगर बाउंस बैक भी इक्वली पॉजिटिव होने की उम्मीद। लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल एडवांटेज जो इंडिया को है चाइना के कंपैरिजन में, उसका भी बेनिफिट FIIs देख रहे हैं और लॉन्ग टर्म FIIs पैसा इंडिया में निवेश कर रहे हैं। तो ये पैसा जो आ रहा है ये देखिए करीबन अप्रैल से आज तक ग्रीन लाइन में लास्ट में देखिए 2,00,000 करोड़ की बाइंग FIIs ने किया है। अब 2,00,000 करोड़ की बाइंग किया है फिर भी लार्ज कैप इंडेक्स ने उतना बढ़त नहीं दिखाया, ऑलमोस्ट इक्वल टू मिड एंड स्मॉल कैप ना मार्च से आज तक। तो कारण क्या है, क्योंकि जैसे ही FIIs खरीद रहे हैं म्यूचुअल फंड्स यहाँ पे बेच रहे हैं, तो 80,000 करोड़ की बिक्री करी है म्यूचुअल फंड ने। अभी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड ने क्यों बेचा है, एक तरफ इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाला तो हर महीने रिडेम्पशन ही बढ़ रही है तो एक तरफ वो, सेकेंड उनके लिए ये रैली जो हो रही है लार्ज कैप में ये ब्रॉडबेस रैली नहीं थी, खाली 10-15 स्टॉक में FIIs की दिलचस्पी थी जो सेफ्टी ओरिएंटेड थे या उनको कंफर्ट था, राइट। तो खाली उस सेक्टर को खरीदने की राइट किसी म्यूचुअल फंड को नहीं है, खाली PMS को और शायद थोड़े फोकस्ड फंड्स को है कि यही मैं चुनूंगा, बट वहां पे भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, मगर FIIs के लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। तो उन्होंने खाली 10-15 स्टॉक को इतना खरीदारी किया क्या कि खाली वो बढ़े, बट ओवरऑल सेंसेक्स में और 20 स्टॉक है, ओवरऑल निफ्टी में और 40 स्टॉक है ना, तो खाली ये 10 स्टॉक की ग्रोथ
काफी नहीं है पूरे निफ्टी को उतना रिटर्न देने के लिए, और म्यूचुअल फंड्स भी डाइवर्सिफाइड फंड में 10% से ज्यादा आप नहीं होल्ड कर सकते हो। तो जैसे ही 10% पार होता है बिकॉज ऑफ द प्राइस, तो उनको बेचना पड़ा। तो म्यूचुअल फंड्स ने सेल करके इस ओवरऑल सेंसेक्स और निफ्टी की बढ़त को एक्चुअली कंट्रोल किया, नहीं तो वो भी अगर बायस बन जाते तो और भी सेंसेक्स की लेवल और भी बढ़ जाती। तो म्यूचुअल फंड्स ने थोड़ा बहुत स्मॉल कैप मिड कैप में खरीदारी कर उसको भी सपोर्ट दिया है। ये सेम ग्राफ के थ्रू सेम डेटा को मैंने पेश किया है। और FIS ने पैसा इंडिया में डाला है डिस्पाइट कि 2019 में देखिए उनकी रिटर्न MSCI की इंडेक्स सबसे वर्स्ट रिटर्न इंडिया में 8% पॉजिटिव, बाकी देखिए सब 20-30% की रिटर्न है। और इस साल भी अभी तक इंडिया से उनको 7.5% की रिटर्न ही मिली है, वेरस एक्सेप्ट फॉर यूरोप एंड ब्राजील बाकी सब देशों में पॉजिटिव रिटर्न और इंडिया से बेहतर कई देशों ने दिया है। फिर भी FIS इंडिया के ऊपर भरोसा रख रहे हैं बिकॉज वो लॉन्गर टर्म स्टोरी को सामने देख रहे हैं, राइट? तो वैल्यूएशन के जरिए इंडिया इज ऑलवेज अ प्रिफर्ड डेस्टिनेशन, वो साफ साफ यहाँ पे दिख रहा है। लेफ्ट के ग्राफ में देखिए, पहले राइट के ग्राफ को, राइट के ग्राफ में देखिए कि सबसे हाईएस्ट वैल्यूएशन S&P अमेरिकन मार्केट के इंडेक्स है, उसके बाद यूरोप के इंडेक्स है, उसके बाद जापान के इंडेक्स है, उसके बाद इमर्जिंग मार्केट के इंडेक्स है इन टर्म्स ऑफ पी रेशियो। अब इंडिया का कंपैरिजन करें इमर्जिंग मार्केट के साथ, इंडिया की वैल्यूएशन बहुत हाई है और वर्ल्ड के साथ कम हाई है। मगर रिसेंटली एक सर्कल किया मैंने देखा, आपको वी शेप रिकवरी दिख रही है, यानी 2 साल कंटिन्यूसली हमारी प्रीमियम गिर रही थी, तो 30% प्रीमियम में करेक्शन हुआ तो इंडिया लुक्ड अट्रैक्टिव। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इंडिया क्यों इतना अट्रैक्टिव है, एक तो इकोनॉमिक रीजन, दूसरा वैल्यूएशन का भी रीजन है सामने कि इंडिया ऑलवेज हाई प्रीमियम पे चल रही थी, वो प्रीमियम में करेक्शन हुआ तो पैसा वापस इंडिया में आने लगा, तो वी शेप्ड रिकवरी इन द वैल्यूएशन ऑफ इंडिया भी सामने दिख रहा है। इसके अलावा FIS का और एक कारण है इंडिया में निवेश करने के लिए कि हमारी लॉन्ग टर्म, लेफ्ट ग्राफ पी रेशियो वाली ग्राफ है, तो वहां पे हमारी लॉन्ग टर्म एवरेज से ज्यादा ही हम ट्रेड कर रहे हैं, करेक्ट? मगर राइट साइड की ग्राफ है प्राइस टू बुक वैल्यू वाली ग्राफ, डिफरेंस क्या है? प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो P&L, शेयर प्राइस वर्सेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्राइस टू बुक शेयर प्राइस वर्सेस बैलेंस शीट यानी टोटल फिक्स्ड एसेट्स टोटल नेटवर्थ, वही कहता है ना बुक वैल्यू, तो वहां पे हम अभी भी लॉन्ग टर्म एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो वो वैल्यूएशन जरिए प्राइस टू बुक में इंडिया अट्रैक्टिव है, क्योंकि इसका अर्थ क्या होता है कि हमारी डिमांड घटने के कारण हमारी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी यूटिलाइजेशन गिर गई। अब फ्यूचर में डिमांड रिकवरी होने पर हमें ना कोई किसी को नया कैपेसिटी लगाने की जरूरत है जिसका डिप्रिसिएशन और इंटरेस्ट कॉस्ट आके उनके EPS के ऊपर असर पड़ सकता है, जरूरत नहीं है। जब तक वो ओल्ड कैपेसिटी यूज होता है, इंडियन कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ अपनी सेल्स ग्रोथ से कई गुना ज्यादा होगी। तो ये है एक सॉलिड रीजन क्योंकि FIS इंडिया में निवेश इतना कर रहे हैं। ये लार्ज कैप इंडेक्स था MSCI इंडिया, MSCI का मिड कैप इंडेक्स में वहां पे भी वही हालत है, पी रेशियो ज्यादा दिख रहा है मगर प्राइस टू बुक कम। खाली स्मॉल कैप में आप देखें तो नेचुरली प्राइस टू अर्निंग्स भी ज्यादा दिख रहा है और प्राइस टू बुक भी अभी लॉन्ग टर्म एवरेज से, क्योंकि रिसेंट रैली हुआ है, थोड़ा ऊपर, अराउंड द लॉन्ग टर्म एवरेज ही है अभी तक, बट थोड़ा हुआ है। बट ओवरऑल इंडिया की मार्केट में प्राइस टू बुक एक की फैक्टर है जो कि FIS का पैसा को अंदर ला रही है। तो अब सेक्टर की ओर ध्यान चलाते हैं। तो इस अर्निंग्स के अंदर, ये जो अर्निंग्स का ग्रोथ मैंने दिखाया आपको, ये अर्निंग्स के अंदर कौन सी सेक्टर की ग्रोथ अच्छी रही है वो एक बात है, मगर दूसरी बात है कि जिसकी उम्मीद से ज्यादा अच्छी रही है, मार्केट के लिए वही खबर अच्छी है। किसी का अगर पता है कि ये 20% बढ़ने वाला है और एक्चुअल 20 निकलता है तो मार्केट के लिए कोई सरप्राइज नहीं है ना। जब वो 20 प्रेडिक्ट होता है और 22 या 24 आता है तो उसको कहते हैं अर्निंग की अपग्रेड, और जब वो अपग्रेड होता है तो पी रेशियो बढ़ता है, तो आपके लिए भी कैपिटल अप्रिसिएशन बढ़ती है। तो अर्निंग अपग्रेड कहां पे ज्यादा हुआ है? फाइनेंशियल्स में हुआ है और एक्सपोर्ट सेगमेंट में हुआ है। तो ये एक इंपॉर्टेंट टेक अवे है फ्यूचर वाली के लिए, यहाँ पे मार्केट की उम्मीद है कि फ्यूचर अर्निंग्स और भी बेहतर निकल सकती है, ये एक ट्रिगर है। और सेकेंड चीज, अगर हम देखें कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर जितने कितने कंपनी हर सेक्टर में एनालिस्ट की एस्टिमेट को बीट करे यानी बेटर, तो यहां देखिए जो हरा निशान माने
मटेरियल्स और यूटिलिटीज में 100% ऑफ द कंपनियों ने अर्निंग्स को बीट किया है. कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूशन में 83%, फाइनेंशियल्स में 61, हेल्थ केयर में 86. तो कम कहां पे हुआ? एनर्जी में, क्योंकि ऑयल दाम घट रही है. कम्युनिकेशन सर्विसेज में, क्योंकि प्राइस वॉर जो चल रहा है उधर. और इंडस्ट्रियल्स में, जहां पे अभी भी वो लेवल की रिकवरी नहीं दिख रही है जो फ्रंट एंड पे दिख रही है. तो ये सब भी एक क्लू है आपको कि कौन से सेक्टर में आपको निवेश करना चाहिए. तो अब आते हैं कि सेक्टरल इंडेक्स की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस. ये कल वाली डेटा है, तो आप देख लें. तो मैं अगेन आपका अटेंशन ड्रॉ करूंगा 1 महीना और 3 महीने के अंदर और 3 साल. तो इसमें मैंने इसको ऑर्डर कैसे किया है कि पहले बैंकिंग को लिया है, क्योंकि बैंकिंग हिस्टोरिकली एक सेफ सेक्टर है, क्योंकि लार्ज कैप इंडेक्स में भी उसका 30% का वेटेज है. मगर कोरोना के कारण वो एक नेगेटिव आउटलुक में चली गई थी और अभी वापस पॉजिटिव, तो उसको अलग मैंने ऊपर रखा है. उसके बाद मैंने सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर्स को रखा है यहाँ पर, टेक, फार्मा और कंजम्पशन. और फिर कंजम्पशन के अंदर आप देखें तो ऑटो और कंज्यूमर ड्यूरेबल थोड़े रिस्की साइक्लिकल मानते हैं, रेट सेंसिटिव इनको कहते हैं, और नीचे पूरे के पूरे साइक्लिकल और इंडस्ट्रियल. क्यों मैं बता रहा हूं? तो आप देखिए यहाँ पर ऑटो और साइक्लिकल्स का देखिए 3 साल में नेगेटिव रिटर्न रहा है, राइट? तो रिटर्न इतना खराब हो गया कि 3 साल तक का रिटर्न नेगेटिव चला गया था. तो अब 3 महीने और 1 महीने में फर्क देखिए. 3 महीने में क्या हुआ है? बैंक का बाउंस बैक हुआ है. क्यों? क्योंकि ये आरबीआई का जो अनाउंसमेंट, डिटेल में हमने बात किया, तो बैंक में वो देख रहे हैं रिकवरी इन स्टॉक प्राइसेस. मगर आईटी और फार्मा और बैंक में उसके बाद 1 महीने का रिटर्न थोड़ा दब गया है, बिकॉज इनिशियल कैचअप हो चुका है. फिर आईटी में देखिए 14% 3 महीने में, 55% 6 महीने में, मगर अभी खाली 5%, राइट? यानी सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर का रिटर्न कम हुआ है. सेम विद हेल्थ केयर, 30% 6 मंथ रिटर्न, बट ओनली 7% 1 मंथ एंड 3 मंथ. वेर एज कंज्यूमर ड्यूरेबल देखिए 40-12, एफएमसीजी देखिए 17-9. वेर एज यहाँ पे देखिए कि कैपिटल गुड्स ऐसी वाली साइक्लिकल में आज एक जबरदस्त 1 मंथ का रिटर्न और 3 मंथ का स्ट्रॉन्ग डबल डिजिट ग्रोथ में आ गया है स्टॉक प्राइस. तो समरी में कहूं तो समरी ये है कि आज पैसा सेफ्टी ओरिएंटेड सेक्टर्स से रिस्की यानी साइक्लिकल सेक्टर्स की ओर बढ़ रहा है. यानी मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम सेफ्टी टू रिस्क. तो एक तरफ कह सकते हैं कि मार्केट इज शिफ्टिंग फ्रॉम लार्ज कैप टू मिड कैप, वो भी कह सकते हैं. मगर याद रखिए कि लार्ज कैप के अंदर भी एक शार्प पोलराइजेशन है. वहां भी जो रिस्की सेक्टर्स है जैसे इंडस्ट्रियल्स या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, वहां पे उतना ग्रोथ नहीं हुआ है, वहां पे भी वो एक शिफ्ट आप देख सकते हैं. ओवरऑल माहौल सेक्टर में है कि एक सेफ्टी सेक्टर से रिस्क सेक्टर शिफ्ट हो रहा है, राइट? तो इसलिए मैं अब सुंदरम की आउटलुक आपको बताऊं तो ये साफ दिखेगा. तो यहाँ पे मैंने एनएससी 500 के जो सेक्टर उसको वेटिंग के डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया है, क्योंकि जो टॉप मोस्ट सेक्टर्स है वही मार्केट में डिटरमिन करते हैं, नीचे वाले ज्यादा असर नहीं उनका पड़ता है ओवरऑल इंडेक्स के रिटर्न में. तो प्राइवेट बैंक्स का 20% का ये है, उसके साथ फाइनेंशियल सर्विसेज का 3.5, तो करीबन समझिए 20% बैंक्स एंड फाइनेंशियल सर्विसेज की है. तो वहां पे हमारी आउट ओवरवेट है आउटलुक. और 1 मंथ का रिटर्न देखिए 23% और 1 ईयर का 5, यानी शिफ्ट हो रहा है टुवर्ड्स बैंकिंग. आईटी में देखिए 1 ईयर का 40 मगर 1 मंथ का खाली 3. फिर हेल्थ केयर में आइए, हेल्थ केयर पीछे फार्मास्यूटिकल दिख रहा है आपको, 51 था 1 ईयर का रिटर्न, खाली 5% 1 मंथ का रिटर्न. तो वो शिफ्ट आपको दिख रहा है फ्रॉम अ सेफ्टी टू अ रिस्की सेक्टर. इनफैक्ट आप देखें तो कई जगह पे जहां पे डबल डिजिट दिख रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर में 15% 1 मंथ, यूटिलिटी में 20, टेलीकॉम में 13, राइट? वो सब 22%, ये देखिए 24 फेरस मेटल्स. तो ये साइक्लिकल्स की ओर एक शिफ्ट आप देख पा रहे हैं. और हमारी व्यूज भी देखें, खाली एक जगह पे जहां पे एनबीएफसी में 1 महीने का रिटर्न 30% है, फिर भी हम अंडर वेट है. इसका कारण क्या है? तो ये 30% की वेटेज टॉप एंड एनबीएफसी में हुआ. तो हमारे व्यू में एक एनबीएफसी का आउटलुक फ्यू कंपनीज के अलावा ब्रॉड बेस नहीं हुआ है. तो एक ब्रॉड बेस एक्सपोजर लेने के अभी टाइम नहीं आया है. मगर मार्केट में बैंकिंग में रेगुलेशन का अनाउंस हुआ एनबीएफसी की तरफ,
बैंक की लाइसेंस देने की बात हुई तो इसलिए स्टॉक मार्केट में एक बहुत बढ़िया एनबीएफसी में रैली हुआ है, बट अभी भी हम वेट एंड वॉच सिचुएशन में है ऑन द ब्रॉड एनबीएफसी, बट द हायर वंस वी आर ओके। तो ओवरऑल हमारी पोर्टफोलियो में देखें, सेम ऑर्डर में देखें, तो आपको हमारे व्यूज यानी रेड और ब्लैक माने हम अंडरवेट है और ग्रीन और डार्क ग्रीन माने हम ओवरवेट है। तो हमारे व्यू हमारी सभी फंड में हम करीबन सिमिलर तरह से प्ले कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल टू समराइज, हमारी आउटलुक मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर ये है कि डिसरप्शन ऑफ द पैंडेमिक हमारे पीछे चली गई है और ये लार्ज मॉनेटरी और फिजिकल स्टिमुलस आज इकोनॉमी में उसका असर दिखा रहा है। इलेक्शन की ओर जो अनसर्टेनिटी अभी सर्टेनिटी में बन गए, बाइडेन जीत गए तो वो ट्रेड के लिए पॉजिटिव है, ग्लोबल मॉनेटरी और फिजिकल एक्शन के लिए पॉजिटिव है, तो नेचुरली ये इंडिया के लिए सपोर्टिव है। एग्रीकल्चर और रूरल एक्टिविटी बहुत स्ट्रांग रहे हैं, पैंडेमिक का उतना असर नहीं दिखा है और गवर्नमेंट के भी रूरल एरिया में स्पेंडिंग की फोकस रही है। प्राइस रियलाइजेशन एमएसपी पे दाम भी बढ़ा दिया उन्होंने, रूरल एरिया में खर्चा भी किया और अग्री में जो रिफॉर्म्स कर रहे हैं जो ओवरऑल अग्री के लिए पॉजिटिव मानते हैं हम। और आरबीआई ने पूरा पूरा सपोर्ट दिया है गवर्नमेंट को थ्रू प्रीएम्प्टिव लिक्विडिटी पंपिंग। गवर्नमेंट ने भी अपना फिस्कल स्पेंड वेरियस पैकेज के जरिए कंजम्पशन को बूस्ट करने के लिए कोशिश किया है और ऐसी रिकवरी होती है तो ऑटोमेटिकली बैंकिंग सिस्टम में भी स्ट्रेस कम हो जाएगा। इंडिया का इन्फेक्शन कर्व क्लियरली पीक हुआ है और वैक्सीन का अप्रूवल आ जाएगा तो नेचुरली कुछ डाउनसाइड रिस्क है तो उसको हेज कर सकती है। तो लो कॉर्पोरेट टैक्सेस है, लो इंटरेस्ट रेट्स है, लिक्विडिटी काफी है, रिफॉर्म्स भी वापस शुरू हो रहे हैं और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी इंप्रूव हुई है। गवर्नमेंट भी अपना पीएलआई प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव टैक्टिकली अनाउंस कर रही है और ये चाइना प्लस वन शिफ्ट की जो बात करी ये इंडिया के लिए एफडीआई फ्लोस के लिए पॉजिटिव है। और ओवरऑल इमर्जिंग मार्केट में साइजेबल ये ग्लोबल लिक्विडिटी इमर्जिंग मार्केट की ओर आएगी बिकॉज उन्होंने कोविड बेटर हैंडल किया, अभी डेट बहुत कम हुआ है इमर्जिंग कंट्रीज में, अभी भी क्रूड प्राइस लोअर एंड पे है और सभी की बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इंप्रूव हो चुकी है। तो एज ए रिजल्ट हमारी सेक्टरल पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी डोमेस्टिक ग्रोथ रिकवरी को पोजीशन करते हुए क्या है, एक्सपोजर टू क्वालिटी फाइनेंशियल्स, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, बिल्डिंग मटेरियल और ऑटो, और फाइनेंशियल के अंदर हमारी बायस होगी लार्ज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स और गुड क्वालिटी एनबीएफसी के ऊपर, राइट। ग्लोबल रिकवरी की बात जो हमने करी वहां पे हम एग्रोकेम, स्पेशलिटी केम, ऑटो एंसिलरी और आईटी सर्विस के थ्रू हम खेलेंगे और आईटी में हम रियली कंस्ट्रक्टिव है बिकॉज बैलेंस शीट भी अच्छी है और कॉस्ट सेविंग का पोटेंशियल है इंडस्ट्री के लिए जो ये लाभ उठा सकते हैं थ्रू डिजिटल एंड क्लाउड, राइट। डिफेंसेस में एक पोर्शन रखेंगे हम रिलेटिवली एफएमसीजी, फार्मा, टेलीकॉम में, बट स्टॉक सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा उधर। और इसलिए की रिस्क अभी भी इंडिया के लिए क्या बनता है, एक सेकेंड वेव अगर आ गई तो, क्योंकि जैसे लॉकडाउन ईज होके इम्प्रूव हो रहा है तो सेकेंड वेव का रिस्क भी है, तो वो एक रिस्क के लिए हमें थोड़ा डिफेंसिव पोजीशंस भी रखना पड़ेगा, राइट। मगर ओवरऑल सिचुएशन हम ट्रैक कर रहे हैं और हमारी कांस्टेंट फोकस होगी कि रीजनेबल वैल्यूएशन विद अ ग्रोथ फोकस, ये हमारी कोशिश होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सुनने के लिए और मिलते हैं अगले वेबिनार में बहुत ही जल्द, राइट। थैंक यू वेरी वेरी मच। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme-related documents carefully.